फ्रॉम पाकिस्तान वो कैसे हेल्प आउट कर सकता है, पाकिस्तान से जो लोग हैं वो कनाडा इमिग्रेट करना चाहते हैं तो वो कैसे हेल्प आउट करेगा। हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भैया, सैटरडे का डे तो मैं वॉक वगैरह करने आया हुआ था, तो मैंने कहा यार बहुत सारे जो लोग हैं वो वेट कर रहे हैं कि भाई आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ पर वापस आएँ और हमें थोड़ा सा गाइडेंस करें ताकि जो है वो हमें कनाडा के बारे में थोड़ा सा पता चले। तो राइट नज़ारा है यार, ये सारे घर हैं और ये घर के साथ पार्क वगैरह है और आप ये देख सकते हो ये जो है वो एनिमल्स का पार्क है सारा और ये सारा एरिया है। वीडियो पे वापस आते हैं भाई, तो वीडियो का बनाने का मकसद ये कि भाई रिसेंटली जो कनाडा और इंडिया है उसके थोड़े से हालात जो है ना वो पॉलिटिकली बेसिस पे उतने कोई ख़ास नहीं चल रहे हैं, बट हमारा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना है नहीं। हमारा मेन चीज़ ये है कि बींग फ्रॉम पाकिस्तान वो कैसे हेल्प आउट कर सकता है, पाकिस्तान से जो लोग हैं वो कनाडा इमिग्रेट करना चाहते हैं तो वो कैसे हेल्प आउट करेगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं 2-3 मिनट के लिए। भाई मसला ये था कि 2019-20 2017-18-19-20 ये चार साल थे, इसमें कोविड का बहुत चल रहा था 18-19-20 राइट। उसमें मसला सारा ये आ रहा था कि भाई चाइना से जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा आते थे, क्योंकि भाई चाइनीज़ इकॉनमी स्ट्रॉन्ग थी, उनका रेट करेंसी एक्सचेंज रेट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था, तो उसकी वजह से चाइना से कनाडा बहुत स्टूडेंट आता था और कनाडा चाइनीज़ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अप्रूव करता था, बहुत सारे वीज़ाज़ लगते थे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर मैंने जो अभी भी देखे वो चाइनीज़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर कोविड इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ गए। अब इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा हो गए, आप रिसेंटली बहुत सारे जो है वो चीज़ें भी देख रहे होगे ऑन सोशल मीडिया के भाई इंडियन स्टूडेंट्स ये वो। मसला सारा ये है कि फ्रॉम पाकिस्तान बींग अ पाकिस्तानी यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कम है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तान में जो लोग हैं दे एक्चुअली डोंट नो हाउ टू फाइल अ कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा या कैनेडियन विजिट वीज़ा या कैनेडियन पीआर पाथवेज नहीं पता। देखो भाई ये बात सच है कि कैनेडा इज़ चेंजिंग, क्योंकि इन लोगों ने रिसेंटली पहले चाइना को फिर इंडिया को बहुत ज़्यादा वीज़ाज दिए हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान अभी 1-2% भी वीज़ाज नहीं मिलते पाकिस्तान को ऑन द स्टूडेंट वीज़ाज टू कम टू कैनेडा। स्टूडेंट वीज़ाज मैं पर्टिकुलरली इसलिए कहता हूँ क्योंकि यार मैं जेन्युइननेस की बात करूँ, देखो विजिट वीज़ा पे आके आप यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारे लोगों के, इवन बहुत सारे यूट्यूबर्स के खुद के लोग विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आए हुए हैं, भाई मेरे खुद बहुत सारे जानने वाले विजिट वीज़ाज पे आए हुए हैं। अब वो बोलते हैं यार हमें सोल्यूशन बताएं क्या है, मेरे का भाई दो ही सोल्यूशन है, या तो आप वर्क परमिट खरीद लो, अब वो तो वर्क परमिट पे भी उनके पीआर के पॉइंट्स इतने इनफ नहीं बनते, ना एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप मिलती है कि भाई वो जो है वो पीआर ले सकें। दूसरा होता है यार आप ये जो एक रॉन्ग वे है मेरे हिसाब से तो वो गलत तरीका है, असाइलम रेफ्यूजी क्लेम कर लो, उसके भी 5-6 हज़ार, 10 हज़ार, $15,000 लगते हैं, आप रेफ्यूजी क्लेम कर लेते हो, बट उसके बाद 3-4 साल में पासपोर्ट मिलता है, पीआर मिलती है, इनफैक्ट उसके बाद जो है वो एक आप पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते, अपने होम कंट्री किसी भी वापस नहीं जा सकते। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि बेस्ट जेन्युइन तरीका फॉर मी, जैसे मैं आया था स्टूडेंट वीज़ा है, बहुत तरीका है। मैं देखो मैं खुद आया, मैं अपनी फैमिली में अपनी वाइफ को लेकर आया, देन स्लोली स्लोली ग्रेजुअली बंदा अपनी फैमिलीज वगैरह को बुलाते हैं, बट द मेन थिंग इज़ कि आपको मेक श्योर करना है कि अभी जो हालात चल रहे हैं इंडिया और कनाडा के, तो मैंने कहने का मकसद ये कि भाई इंडिया के हालात कनाडा के साथ पॉलिटिकली ठीक नहीं है, ये स्टूडेंट्स वगैरह ये इमिग्रेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकली ठीक नहीं है। हम पॉलिटिक्स को साइड पे रखते हैं, हम कहते हैं यार अगर इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट आ रहा था कनाडा, अब वो नहीं आ रहा, नाउ व्हाट, नाउ माय पर्पस फ्रॉम पाकिस्तान मैं चाहता हूँ यार। आप बहुत सारे बोलते हैं कि यार आप खुद कितने पाकिस्तानी दर लेकर आ गए, यार मैंने रिसेंटली 2 साल में तकरीबन 150-200 स्टूडेंट्स को हेल्प आउट की है विद देयर यूनिवर्सिटी एडमिशन्स कि वो कनाडा आए, एंड देन उसके अलावा एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स यहाँ पे कनाडा में हैं, और मुझे यार खुद 3 साल हुए कनाडा आए हुए राइट नाउ। तो खुद सोचो कि अगर मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, डेफिनेटली पोस्ट अ स्टोरी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल, यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं यहाँ पे दे दूंगा अपना इंस्टाग्राम वगैरह भी, तो समझो कि कितना स्टूडेंट आ सकता है इतने 1-2% वीज़ा रेशो पे, क्योंकि ये जेन्युइन तरीका है। बट बात सारी है कि फिर डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए आप 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी आप लोग जो है वो बुक कर सकते हो, रादर देन भाई मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आए हुए हैं जिनके 2-2 रिफ्यूजल्स हैं, और मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं सेशंस रखते हैं विजिट वीज़ा वाले भी, जिन लोगों ने 15-15, 20-20 लाख रुपए दिए हुए हैं कंसल्टेंट्स को, एजेंट्स को, और उनको पता ही नहीं है कि कनाडा जा क्यों रहे, करेंगे क्या, दिस एंड दैट। काउंसलिंग सेशन लेने से क्या हो जाता है, आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं कि किस तरह जाएंगे, क्या करेंगे, बेहतर है ना यार लाखों रुपए देने से, बेहतर है कि पहले 1-to-1 बात कर लो ताकि पता चल जाए कि करेंगे क्या। बैक टू द टॉपिक, तो राइट नाउ पाकिस्तान का वीज़ा रेशो इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट, भाई मैं बात फिर रिपीट करूँगा, विजिट वीज़ा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हालात इंडिया के अंदर बहुत इमिग्रेंट्स आ गए हैं, वो लोग जिनके पास विजिट वीज़ा अप्रूव्ड है वो इंडिया से वापस अपना कनाडा से वापस भेज रहे हैं उनको।
तो अगर आपका पाकिस्तान से, आप लोग ये सोच रहे हो कि विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे उन पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ और कनाडा अप्लाई करेंगे फर्स्ट टाइम, दैट्स नॉट गोना हैपन. मेन थिंग दैट गोना हैपन इज आप लोग स्टूडेंट के तौर पे आओ. हाँ, कैप लगा हुआ है, हालात थोड़े से टफ हैं, बट स्टिल इट्स द कंट्री जो पी आर देता है. आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी कंट्री जो करीब है इसके जो पी आर दे विद इन 3 ईयर्स, विद इन 4 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स. कुछ और कंट्रीज भी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. मेक श्योर कि आप लोग यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब करो. मेक श्योर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए अलविदा.